ये जो पांच उंगलियां हैं, इस पर मैंने कुछ लिखा भी है, ये जो पांच उंगलियां और थंब है, यानी चार उंगलियां और ये अंगूठा, इन ये हमारे ऑर्गन्स जो है, इंटरनल ऑर्गन्स, उनको ठीक करने में मदद करते हैं। थंब क्या ठीक करता है, देखिए लिखा मैंने स्टमक, थंब इज स्टमक। फर्स्ट फिंगर किडनी, सेकेंड फिंगर लिवर, और रिंग फिंगर लंग्स, लिटिल फिंगर हार्ट, और ये बेली बटन। ओके, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आप कहेंगे जी हम तो कहते हैं हार्ट की यहां पर होती है पांच उंगलियां, कम टू द पॉइंट, पांच उंगलियां और ये पांच बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स ठीक हो सकते हैं अगर ये आप कर लो रोज। करना क्या है ये देखो जरा ध्यान से। और एक और बात बताओ, बड़ी छोटी सी सिंपल सी चीज करनी है हमने, कुछ इस तरह से बस मूवमेंट करना है, बहुत बड़ा कुछ नहीं, बताती हूँ अभी। एक और बात याद रखिए, ये जो थंब है ये रिस्पॉन्सिबल है स्टमक, स्टमक यानी वरीज। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे पेट में बटरफ्लाईज होती है, तो इसका रिश्ता सीधा किससे है, पेट से। किडनी, किडनी जब मैं बात करती हूं तो किडनी या ब्लैडर, ये है फियर से। जब हम डरते हैं तो हमारी किडनी पर इफेक्ट आता है, डर हमें किडनी पर इफेक्ट डालता है। कोई भी तरह का डर, जॉब जाने का डर, घर नहीं मिलने का डर, गाड़ी नहीं खरीदी इसका डर, प्रमोशन नहीं हुआ डर, डर पेपर का डर। लिवर इज द दिस फिंगर, दिस इज लिवर। लिवर की जब मैं बात करती हूँ या गॉल ब्लैडर की बात करती हूँ तो बात करती हूँ गुस्से की, एंगर। कितने लोगों में एंगर है, लिख के बताइए जल्दी से। लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट, हार्ट हम जानते हैं हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। जब वेन आई से हार्ट या इंटेस्टाइन की बात करें तो नर्वसनेस, जब नर्वसनेस होती है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है। जब मैं बात करती हूँ लंग्स की तो मैं बात करती हूँ सैडनेस। जब भी आप सैडनेस फील करते हैं तो समझ लीजिए आपके लंग्स के जो फंक्शन है वो या तो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक कर लो, करें ठीक। ओके, आर यू रेडी, लिखे कमेंट बॉक्स में यस। करना क्या है, इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है, हाथ नीचे, पहले फिंगर्स को इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह पंजा बनाना है, मतलब इसको फोल्ड, ठीक है, इस तरह पंजा, और फिर अंगूठा भी इसे होना चाहिए। टर्न बाय टर्न लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हुए ऐसे, लिटिल फिंगर्स ट्राई करो मेरे साथ, लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हुए इस तरह से, यस। फन फन में एक्सरसाइज भी हो रही है। ओके, अब करेंगे क्या, स्टेप वाइज, इसका एक तरीका है। ओके, ये एक जापानीज मेथड है और ये बहुत इफेक्टिव है। अगर इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम है करके देखो, मजा आएगा और ठीक भी होगा। हाथ नीचे, एल्बो स्ट्रेट, फिंगर्स मूवमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काउंट तक आप पूरा यहां आ जाएंगे नीचे से, आगे वापस भी आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक राउंड है पूरा नहीं हुआ। अब हाथ थैलियां बाहर की तरफ, हाथ बाहर की तरफ खोल दिए, हाथ सीधे बेंड किया और शेक, एक बार फिर हथेलियां बाहर, स्माइल करते हुए हथेलियां बाहर, बेंड एंड शेक, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हथेलियां बाहर, एल्बो स्ट्रेट, फिर बेंड एंड शेक, हथेलियां बाहर, एल्बो बेंड, शेक। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ, जन कल्याण की मन में कामना करते हुए। राधे राधे। मित्र जनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।